पहले भी किया था, माननीय मंत्री जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था, और इस समय भी टमाटर के प्राइसेस अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस बार त्यौहार को देख करके एक बार फिर से टमाटर के प्राइसेस में उछाल आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए NCCF रिटेल इंटरवेंशन कर रहा है और 65 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर को उपभोक्ताओं के बीच में उपलब्ध करा रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यवाही से जो प्राइसेस काफ़ी मतलब जो बढ़ रहे हैं उनमें एक कंट्रोल आएगा। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, देश में टमाटर का उत्पादन अच्छा हुआ है, इसलिए मार्केट में वो डेफिनेटली उपलब्ध भी होगा। और फेस्टिवल की अप्रत्याशित डिमांड को देखते हुए ही संभवतः रिटेलर्स ने प्राइसेस को बढ़ाया है, और इसलिए ये एक राहत का कदम है। क्योंकि NCCF एक तरह से अपने मोबाइल वैन्स और जो स्टोर्स हैं इनमें 65 रुपये किलो के हिसाब से हम लोगों ने सफल के आउटलेट्स की बात की है, क्योंकि दिल्ली NCR में सफल के अच्छे नंबर ऑफ से स्टोर्स हैं, तो वो लोग भी इस पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो प्राइसेस उसे घटाएं और अफोर्डेबल बनाएं ताकि उपभोक्ताओं को ये एक अच्छे दाम में उपलब्ध हो। मैम कितनी गाड़ियाँ जो हैं आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी? आज हम लोगों ने करीब 7 गाड़ियों को हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं और करीब 40 से भी अधिक लोकेशन पे इन्हें भेजा जा रहा है। कितने आउटलेट्स में मैडम? कितनी लोकेशंस पे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे मैडम? ओनली मैम राइट लार्जली दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव भी हम देख रहे हैं।